जो चाहे मांग लो, पर मुझे सुखी होने का रहस्य बता दो। मुझे नींद आ रही है राजा, मुझे सोने दो। राजा हैरान था। दूसरी बार राजा फिर बड़े दल बल के साथ आया। भूरा, भूरा, हाथी घोड़े दास दासियां जितनी चाहे मांग लो, पर मुझे सुखी होने का रहस्य तो बता दो। राजा, हाथी घोड़े दास दासियों के बिना भी मैं सुखी हूँ, फिर कभी आना। तुम्हें क्या चाहिए भूरा, मांग कर तो देखो, मुझे सुखी होने का रहस्य तो बता दो। जो स्वयं सुखी खान है उसे लालच देने का काम मूर्ख ही कर सकता है। जा राजा जा, फिर कभी आना। और राजा चला गया। उसे समझ नहीं आया कि गाड़ीवान भूरे को क्या चाहिए था कि अचानक राजा एक दिन अकेले गाड़ीवान के सामने आ खड़ा हुआ। तू फिर आ गया। जब तक आप सुखी होने का रहस्य न बता देंगे मैं तंग करता रहूंगा। मेरी पीठ खुजा सकेगा? हाँ मालिक। ला, खुजा। रहने दे रहने दे। ठीक से बैठ जा, बैठ ठीक से। पहले ही अपने दिखावे का बोझ छोड़कर आता तो मेरी पीठ खुजलाने से बच जाता। पूछ, क्या जानना चाहता है? यह कैसा रहस्य है कि जिसके पास सैकड़ों कमीजें हैं वह सुखी नहीं है, और जिसके पास कोई कमीज नहीं वह सुखी है? राजे, सुख का कारण कमीज नहीं आत्मा है। जो यह जान लेता है कि सुख का कारण भीतर है, उसे सुखी होने के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती। पर मन तो हमेशा सुख के लिए बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। इसीलिए राजे, जो अपने आनंद स्वरूप आत्मा को जान लेता है वह वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है। मैं समझा नहीं। राजे, आनंद आत्मा का स्वरूप है। आत्मा अनंत है इसलिए आनंद भी अनंत है। आत्मा के स्वरूप के कारण व्यक्ति स्वयं से हर क्षण प्रेम करता है। क्या कभी सोचा है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, इंद्रियां साथ छोड़ रही होती हैं, मौत द्वार खटखटा रही होती है, फिर भी आदमी जीना चाहता है? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं से हर क्षण हर समय प्रेम करता है। यदि दुख स्वयं का स्वरूप होता तो क्या मनुष्य कभी स्वयं से इतना प्रेम करता? कभी तुमने सोचा है कि कभी कभी आत्महत्या का विचार क्यों आता है? नहीं मालिक। क्या है आत्महत्या का विचार? क्यों भावना के वश में आदमी मन बुद्धि और शरीर आदि को खत्म कर देना चाहता है? क्योंकि आत्महत्या का विचार भी आत्म प्रेम को ही व्यक्त करता है। जब व्यक्ति दुख और दुख देने वाली स्थितियों से छुटकारा नहीं देखता तब वह अज्ञानता में आत्महत्या को ही दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता समझता है। इतना है मनुष्य का स्वयं के प्रति प्रेम कि वह अपने अस्तित्व को भी समाप्त कर देना चाहता है। सुख भीतर है तो मनुष्य बाहर संसार के पीछे भागता क्यों है? क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। मनुष्य जिसकी भी अभिलाषा करता है, चाहे वह धन हो या वैभव, पत्नी पति या पुत्र हो, वे सिर्फ उपकरण हैं जिनकी अभिलाषा मनुष्य स्वयं के सुख के लिए करता है। मनुष्य अपनी प्रियतम वस्तु या संबंधी को भी छोड़ देता है यदि वह वस्तु या वे संबंध दुख का कारण हो जाए। इसलिए मनुष्य सबसे अधिक स्वयं से प्रेम करता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह संसार को पाने या संसार को छोड़ने की राह पर ही क्यों न चल रहा हो, वह स्वयं के लिए ही है। स्वयं के लिए इतना प्रेम कि या तो सारा संसार या संसार नहीं। स्वयं के प्रति इतना प्रेम ही आत्मा के सुख स्वरूप का प्रमाण है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य दुखों से प्रेम करता। चूंकि अज्ञानतावश हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए इस आशा में संसार और वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं कि वह हमें छोटे छोटे सुख देगी। यह ठीक वैसा ही है कि जो सुखों का स्वामी है, राजा है, वह खुद को भिखारी समझ दूसरों से इसकी उम्मीद करता है। यही है अज्ञान की शक्ति।
इसलिए राजे, संबंधों का और वस्तुओं का सुख स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद असीम होता है। वो कैसे स्थायी है राजे? जब भी हम किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु को देखते हैं तो उससे आनंद होता है। इस आनंद को शास्त्र प्रिय कहते हैं। और जब हम उस वस्तु को पा लेते हैं या उस व्यक्ति से मिल लेते हैं तब वह आनंद कई गुना बढ़ जाता है, उसे मोद कहते हैं। और जब हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं तब उससे प्राप्त होने वाले आनंद को प्रमोद कहते हैं। परंतु जैसे ही हम उस व्यक्ति या उस वस्तु से अलग हो जाते हैं वह आनंद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए राजे, वस्तुओं का आनंद, व्यक्तियों का आनंद स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद स्थायी और अनंत होता है। बुरा व राजा में आनंद पर लंबी चर्चा हुई, जिसे वेदांत में आनंद मीमांसा कहते हैं। सात्विक आनंद, राजसिक आनंद, तामसिक आनंद से लेकर अलग अलग प्राणियों और अवस्थाओं में आनंद की अनुभूति और उसके कारणों की बुरा ने मीमांसा की। पर अंत में राजा ने वह प्रश्न किया जो इस समय हम सबके मन में है। आर्य, यदि मैं ही आत्मा और आत्मा का आनंद स्थान, समय, जन्म, शरीर, मन, बुद्धि और बाहर की किसी भी वस्तु से स्वतंत्र होता है तो मैं अनंत, असीमित और पूर्ण आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाता? राजे, यदि तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो अंधेरा ही दिखाई देगा। जब तक तुम शरीर, मन, बुद्धि, संसार, वस्तुएं, रस, भाव और विचारों की ओर ही देखोगे तब तक तुम उस अनंत, असीमित और पूर्ण का अनुभव नहीं कर सकोगे। इसमें गलती आत्मा की नहीं, हमारे दृष्टिकोण की है। इसलिए राजे, यदि सुख चाहते हो तो बाहर नहीं भीतर देखो। तो सूत्रधार, क्या इसका ये अर्थ हुआ कि सुख की कामना ही आत्मा के आनंद स्वरूप का कारण है? तुमने ठीक समझा नटी, इसीलिए पूरा जीवन हम सुख की तलाश में रहते हैं। आप जो होते हैं पूरा जीवन उसी की ही खोज करते हैं। हम आनंद हैं, इसीलिए हम अनंत सुख की अभिलाषा रखते हैं। इस सत्य को ना जानना ही दुख का कारण है। इसीलिए नटी, बाहर नहीं भीतर देखो।